जी मैडम, ताली बजाए बेटे, खड़े हो जाओ सारे। अभी हमारे बीच में मैडम छाया शर्मा, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस के, हमारे बीच में। हमारे सौभाग्य ये है कि आज जो प्रोग्राम हम लोग चालू करने जा रहे हैं, मैडम इसको इनॉग्रेशन किए हैं। और मैडम, ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, दिल्ली पुलिस की जो युवा प्रोग्राम है, और हमारे पार्टनर हनुमान जी हैं, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, और हमारी संस्था जो है वी द पीपल, हम लोग की ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, मार्केट अलाइंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट में हम लोग मस्त बोलते हैं मैडम, लिखा हुआ है मस्त युवा प्रोग्राम जो है, हम लोग ये आज से चालू करने वाले हैं। इसमें दो तरह का कोर्स हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं चालू करने के लिए। एक तो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, और दूसरा जो है हाउसकीपिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। सो दो कैटेगरी को हम लोग फोकस करने जा रहे हैं मैडम। एक तो ये है कि जो 10th 12th पढ़े हैं उनको कंप्यूटर कोर्सेज, और जो इलिटरेट सेमी लिटरेट स्कूल ड्रॉप आउट्स है 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, उनके लिए हाउसकीपिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट कोर्स कराएंगे। और ये जो कोर्स होगा इसमें दो तरह का फोकस करेंगे मैडम। एक तो ये है कि जो उनका ट्रेड स्किल्स या डोमेन स्किल्स है कंप्यूटर प्रोग्राम, उसके बारे में सिखाएंगे, और जो वर्क प्रिपेयरनेस स्किल्स होगा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग हो गया, फिर इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे फेस करना है, ये दो चरण में ट्रेनिंग कराएंगे मैडम। और इसमें पर डे हम लोग दो बैच चलाएंगे, 10 से 15 बच्चे का बैच रहेगा, एक सुबह 7:30, क्योंकि कई सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं स्कूल जाते हैं, वो उनके रेस्ट ऑफ द टाइम में वो लोग आके अटेंड कर सकते हैं। तो 7:30 से 9:30 बजे तक एक बैच चलाएंगे, और 3 से 5 बजे तक एक बैच चलाएंगे मैडम। और इसमें 2 घंटे का जो प्रोग्राम हो, एवरी ऑल्टरनेट डे हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, साथ साथ में इनका एक्सपोजर विजिट करेंगे, कई सारे इंडस्ट्री है, कंपनी है, उनको एक्सपोजर विजिट कराएंगे। उसका उद्देश्य यही है कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगा। और दूसरा मैडम, यही अनुरोध है कि आपके जैसे दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, एज ए मेंटर आके, गेस्ट फैकल्टी आके, उन लोग भी क्लास बीच बीच में ले, ताकि मैडम उसमें फिर बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो, और उनको इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी किया जाए उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मैडम ये प्रोग्राम को हम लोग चालू करेंगे। और हमारा पूरा ये जो कोर्स करिकुलम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे जो पार्टनर है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, इनका पूरा टोटल कोर्स करिकुलम बना हुआ है मैडम। ये कोर्स करिकुलम को लेके हम लोग पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये 300 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्प्रेड ओवर 3 मंथ्स। आप लोग 300 घंटे दोगे या बीच में ड्रॉप आउट करोगे? क्योंकि देखो, जब कोई चीज फ्री मिलती है ना, तो उसकी वो हमको वक्त नहीं है, हमको लगता है कि यार इसकी तो वो नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स किसी कोर्स में हमें डालते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन की पैसे देते हैं, तो हमें लगता है कि ओ, पेरेंट्स भी आपके कहेंगे भाई मैंने पैसे दिए तुम अटेंड करो। बट जो चीज फ्री मिल रही हो उसकी इम्पोर्टेंस कई बार हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको इम्पोर्टेंस दे के ढंग से करो, एंड देन ओनली हम इसका फायदा उठा पाएंगे, या आप ही कोई फायदा होने वाला है, ठीक है ना। जब हमारे घर के पास कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, तो इट वॉज लाइक कि भाई अगर स्कूल ने सिखा दिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर अपने पैसे दे के सीखो। तो एक हैंड्स ऑन आपको फैसिलिटी मिल रही है, महंगी मशीनें हैं आपको छूने को मिल रहा है, काम करने को मिल रहा है, एंड आप बाहर की दुनिया में कैसे अपने लिमिटेड एरिया में अपने को यूज कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को, उसका एक्सपोजर आपको दिला रहे हैं। तो अगर आपका एंथुजियाज्म रहता है तब तो इस बात का फायदा है, और ये सिर्फ आप ही के लिए, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हम तो चाहेंगे आप में आप और भी बच्चों को बताएं, आपके और फ्रेंड्स वगैरह को, सो दैट दे कैन एनरोल। आई डोंट थिंक यू चार्जिंग देम एनीथिंग, इट्स अ फ्री थिंग, सो नोबडी इज चार्जिंग यू एनीथिंग। सो आप आइए, यूज करिए, और एटलीस्ट अपने जो 300 घंटे हैं वो लीजिए, और जो बाकी चीज़ों की फ़ायदा आप उठा सकते हैं, कि अगर हम आपके लिए कहीं कह के आपकी जॉब लगवा सकते हैं, या आपको कहीं रिहैबिलिटेट करा सकते हैं, या आपकी प्लेसमेंट करवा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपके लिए करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड आप इंटरेस्ट शो करो। तो ये आपके ऊपर है, आप इस फैसिलिटी का कितना फायदा उठाना चाहते हैं। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, इट्स लाइक रियली नाइस टू सी यंग पीपल, एंड इन फैक्ट गुड टू सी गर्ल्स। तो नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर, इवन फॉर हाउसकीपिंग, हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देखा है, वहाँ हाउसकीपिंग इज
और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात कह रहे हैं, कोई आपका मजाक उड़ा सकता है कि अरे यार तू तो सफाई वाला है, तू ये वाला, इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीथिंग इज एन आर्ट. शेफ कौन है फिर? शेफ तो फिर वो ढाबे वाला कुक और घर में जो खाना बनाता है महाराज वो सेम है, लेकिन आपकी मम्मी भी तो खाना बनाती है ना, एंड शी आल्सो डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. सॉरी. कुछ स्किल्स के आपको करने के पैसे मिल सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे वो हाउसकीपिंग एक एजेंसी को रेंट आउट कर देते हैं कि भाई आप दो, वहां पे आपको 8-10 हज़ार की जॉब मिल सकती है. आपको दो बार जाना है, इक्विपमेंट आपको मिलेगा, सफाई करनी चीजें मिलेंगी, ग्लव्स मिलेंगे, आपको अपनी सेफ्टी मिलेगा. मैंने सबसे पहले जो बिस्तर लगाना ना ठीक से, आई लर्न्ड इट इन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस. जब मेरे हस्बैंड वहाँ पढ़ रहे थे तो उस वहाँ पे वो एक हाउसकीपिंग बंदा आ रहा था, तो मैंने उससे सीखा एंड बड़े अच्छे से लगा के जाता था वो, एंड इट वॉज वेरी इंप्रेसिव. तो सीखना तो आपके ऊपर है, आप क्या सीख सकते हो, अपनी कौन सी सिंपल स्किल को यूज कर सकते हो. फिर आपको लगता है कि जी नहीं ये मेरे लिए नहीं, मुझे और ऊपर जाना, देन इट्स अप टू यू, यू कैन ट्राई समथिंग एल्स. ठीक है ना? तो हर चीज आपके ऊपर है, आप कितना उसको लेना चाहते हो और कितना आप उसको जस्ट की भाई चलो यार टाइम पास है तो वो. और प्लीज मैं आपसे चाहूंगी कि सिंस इट इज अ मिक्स, तो आप लोग अपना वो मेंटेन करेंगे. कोई पुलिस के साथ इंटरेक्शन के टाइम आप कोई ऐसी बात ना करें जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े, और आपके उस कार्य की वजह से जब पुलिस शर्मिंदा होगी तो हो सकता है आपके दूसरे साथियों को भी नुकसान हो, तो वो मत कीजिएगा. पार्टिसिपेट एंड डू वेल. ये अपॉर्चुनिटी है आपको पुलिस को और पास से जानने की. हमारे से जो बन पड़ेगा, जिसको कहने से होगा, वी विल बी एबल टू. ग्लैड टू हेल्प यू. थैंक यू.